दोस्तों और भाइयों, इस्लाम सरापा रहमत है, सरापा दीन, सरापा शफ़क़त है, सरापा मेहरबानी। क्यों? इसलिए कि ये दीन इस्लाम जिसने बनाया है, जिसने भेजा है, वो भी रहमान और रहीम है, और जिसकी तरफ भेजा गया, जो जिसे सौंपी गई ये अमानत, और जिसके ज़रिए से ये इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया, वो उसका भी लकब रहमतुल्लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। मुसलमान उस आदमी को कहते हैं, उस शख्स को कहते हैं जो इस दीन इस्लाम का मुती होता है, फर्माबरदार होता है। मुसलमान की जिम्मेदारी है, बल्कि वो मुसलमान उसी शक्ल और उसी सूरत में कहलाता है जब वो इस्लाम के जुमला निज़ाम और कवानीन को और उसके अहकाम को बजा लाता है। मुसलमान कहते ही उस बंदे को हैं जो इस दुनिया के बनाने वाले को, उसके वजूद को तस्लीम करता है और अपने आप को, खुद को उसके हवाले कर देता है, उसकी ख्वाहिशात, उसके नज़रियात, उसके मोतकदात, उसकी तमाम जिंदगी उस बनाने वाले के सुपुर्द होकर देता है, नंबर एक। और फिर जो इस्लाम, जो दीन दे करके वो बनाने वाला इस दुनिया के अंदर भेजता है, जिसे हम शरीयत कहते हैं, अपनी तबीयतों को, अपने अफकार को, अपने ख्यालात को, अपने अकीदों को, अपने तमाम उमूर को उस शरीयत मुतहरा का पाबंद बना लेता है और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है, उसको मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान की तारीफ एक दफा और सुन लीजिए। मुसलमान उस बंदे को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जो अल्लाह के वजूद को तस्लीम करे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए और खुद को अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह ने जो शरीयत मुतहरा नाजिल फरमाई है, उस शरीयत का वो ताबेदार बन जाए, मुती बन जाए, फरमाबरदार बन जाए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को साझीदार और शरीक न ठहराए, उसको मुसलमान कहा जाता है। यूं तो हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, हर कलमा पढ़ने वाले को मुसलमान कहते हैं। आज इस इस्लाम की तारीफ ना मालूम होने की वजह से, इस्लाम की सही शक्ल और सूरत ना सामने आने की वजह से, ला इल्मी की वजह से बहुत सारे लोग कलिमा पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, मुसलमान होने का मफहूम क्या है। तो ये बात पूरी दुनिया को ये बतलाई जाए और ये समझाई जाए कि मुसलमान जो होता है उसे कहा जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह के वजूद को तस्लीम करे, उसके ऊपर ईमान लाए और अल्लाह की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए। ये जुमला मुकम्मल तरीके से जब तक वो इन तमाम स्टेप को, इन तमाम नुकात को तस्लीम नहीं करता, तब तक वो मुसलमान पक्का मुसलमान नहीं होता है। वो रजिस्टर में, किताब में, गुफ्तगू में, बातचीत में मुसलमान हो जाता है।
आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन इस्लाम के दामन पर कलंक का टीका है। दुनिया उन्हें टेररिस्ट और टेररिज्म समझती है, दुनिया उन्हें न जाने कैसे कैसे अलकाब से नवाजती है। वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों? इसलिए कि वो नाम के मुसलमान हैं, उन्होंने अपना नाम इस्लाम जैसा रख लिया और मुसलमानों की सफों में वो दाखिल हो गए, लेकिन जो इस्लाम की तालीमात हैं, इस्लाम के जो उसूल और कवायद हैं, इस्लाम के जो मनहज और तरीके हैं, उस इस्लाम से वो काफी दूर हैं और उससे नाशना है। इस्लाम दीन रहमत है, रहमतों का दीन है, शफकतों का दीन है। इसकी तारीफ हम करते हैं, इसकी खूबियां हैं, इसके महासिन बयान करते हैं और दुनिया के सामने इसे बयान करने की जरूरत भी है, लेकिन इसके बरक्स जब हमारा किरदार होता है तो इस्लाम तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि सबके सामने जाकर के कहे कि भाई मैं मुसलमान हूं, मैं हूं इस्लाम, मुझे पहचानो। कोई मरई चीज, कोई देखने वाली चीज नहीं है, बल्कि इस्लाम को पहचाना जाता है उन लोगों से जो इसका कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम को जाना जाता है उन लोगों से जो इसका दम भरते हैं, इस्लाम को जाना जाता है उन लोगों से जो लोग इस्लाम का दावा करते हैं, उनसे इस्लाम की शनाख्त होती है, उनसे इस्लाम की पहचान होती है, उनसे इस्लाम रोशनास होता है दुनिया के सामने। तो आज जो हमारा किरदार है, जो आज हमारा सलूक है, जो हमारा अमल है, आज इस इस्लाम के खिलाफ होने की वजह से आज दुनिया मुसलमानों के वजूद के खिलाफ है, मुसलमानों को खत्म करने के दर पे, मुसलमानों को बदनाम करने की के दर पे, और सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस इस्लाम को खत्म करने के, मुसलमानों को मिटाने के दर पे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाती हैं, और हमें फिक्र देने की जरूरत, सोचने की भी जरूरत है, और जिम्मेदारान ने इस्लाम को, इस्लाम के जो अकाबरीन हैं, इस्लाम को जो लोगों के सामने पेश करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्हें अवामुन्नास के सामने इस्लाम की खूबियों को बयान करने की जरूरत है, उन्हें बतलाने की जरूरत है, दुनिया वालों के सामने खुद मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत है और दुनिया वालों के सामने भी इस्लाम की खूबियों को बतलाने की जरूरत है, ताकि ये आग जो लगाई गई है दुश्मना ने इस्लाम की तरफ से, ये शोले जो भड़काए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जिनके दिलों के अंदर आज से नहीं बल्कि जमाने ही से इस इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिलों में हिक्द और हसद और बुग्ज और कीने की आग भड़क रही है, और हर दौर में, हर जमाने में वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर उगलते हैं। उनको समझाने की जरूरत है, उन तक पहुंचाने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस्लाम को लोगों तक पहुंचाएं, इस दीन रहमत को लोगों के सामने बयान करें, लेकिन अफसोस तो ये इस बात का है कि आज ये दीन रहमत भी हमारे सामने अजनबी सा बन गया है, ये दीन इस्लाम भी हमारे सामने वो दीन इस्लाम है जो हमारी चाहत और हमारी फिक्र का गम्माज है, जो हमारी तबीयतों के मुताबिक हो, जो हमारे मिजाज के मुताबिक हो, जो हमारी सोच के मुताबिक हो, उसे हमने इस्लाम समझा हुआ है, जो अल्लाह का पसंदीदा है, जो रसूल का पसंदीदा है, जो अल्लाह उसके रसूल का लाया हुआ दीन था, आज वो दीन हमारे 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 दरमियान अजनबी सा रह गया है। और सच फरमाया था सादिकुल अमीन, सादिकुल मस्दूक हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि बदअल इस्लाम गरीबन, इस्लाम अजनबियत की हालत में फैला है, शुरू हुआ है, वसयऊद गरीबन, और एक दिन आएगा कि ये अजनबी हो जाएगा, फतूबा लिल गुरबा, तो गुरबा वो लोग जो इस्लाम को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे उनके लिए तूबा है, तूबा जन्नत के अंदर एक मकाम, एक दरख्त का नाम है, अल्लाह के नबी ने उनके लिए बशारत दी है। इस हदीस पाक से बतलाने का मतलब यह है कि आज वाकई ऐसा लगता है कि जैसे इस्लाम हमारे दरमियान रहा नहीं, आज जो इस्लाम प्रचार हो रहा है, जो इस्लाम लोगों के दरमियान फैलाया जा रहा है, वो अजीब गरीब इस्लाम है, लोगों का देखा देखी इस्लाम है, इसे देख करके ताज्जुब होता है कि क्या यही इस्लाम है, हरगिज वो इस्लाम नहीं। और इसमें मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ अफकार, मुख्तलिफ ख्यालात, मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए और मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने तौर तरीके से इस्लाम को मुतारफ कराने लगे दुनिया के अंदर। अस्तग़फिरुल्लाह, वो इस्लाम जो कुरान और हदीस को शामिल है, वो दीन इस्लाम
जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, रब्बे कायनात की कसम है, आज बहुत कम लोगों के अंदर वो इस्लाम नजर आ रहा है। आज हालात देखें आप, आज जो लोग इधर से उधर जहां देखिए वहीं कोई बम ब्लास्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, मुल्क के मुल्क चल रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, घर मिसवार हो रहे हैं। एक मुसलमान नाम लेवा कलमा पढ़ने वाला खुद मुसलमान का कातिल है, खुद मुसलमानों को और मुसलमानों को भी, गैरों को भी, सबको खत्म करने की फिक्र में लगा हुआ है। क्या यही इस्लाम है? क्या यही वो दीन था जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था? अकीदे से लेकर अखलाक और आमाल तक सारे का सारा अजीब व गरीब खलत मलत हो चुका है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम वो इस्लाम दुनिया के सामने बयान करें जो मदनी ताजदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। अल्लाह के नबी ने कौन सा इस्लाम पेश किया था? एक बदू आता है, एक अराबी आता है, गैर मुस्लिम है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचता है, उसे कुछ चीज तलब करता है, अल्लाह के नबी उसे अता करते हैं, उसे देते हैं। और फिर जब वो अपनी बस्ती की तरफ जाता है तो बस्ती में कहता है, अरे लोगो सुनो, चलो एक ऐसे शख्स के पास से मैं आ रहा हूं जो बहुत कुछ अता करता है, बहुत कुछ देता है। चुनांचे पूरी बस्ती को लेकर के आता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत और करम के दरिया बहा देते हैं, पूरी बस्ती की बस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाती है। एक वो नबी, एक वो रसूल जिसने, जिसका मकाम और रुतबा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हर हर लिहाज से, हर हर एतबार से बयान फरमाया, अल्लाह ने उसे जो रुतबा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने शुरू में बतलाया दीन बनाने वाला, दीन को तरतीब देने वाला, दीन को लोगों के पास भेजने वाला। हम हर बार हर जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू, जो रहमान है, जो रहीम है, खुद वो बनाने वाला रहमान रहीम अपने बंदों के ऊपर है, और जिसके जरिए से ये दीन भेज रहा है उसका लकब ये दे रहा है, वो मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी हमने सारी कायनात के लिए आपको रहमत, सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा, हमारे लिए उस्वा, हमारे लिए नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगो तुम्हारे लिए बेहतरीन, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतरीन नमूना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें अकीदा चाहिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अकीदा था हमें वहां से लेना है। हमें इस्लाम चाहिए, तरीका चाहिए, तरीके इबादत हो, तरीके बंदगी हो, हमें तरीके सियासत हो, हमें तरीके दस्तूर अमल हो, दस्तूर जिंदगी हो, दुनिया के अंदर कैसे गुजर, सारा कुछ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर मौजूद है। ये उसूल है, ये जाबते हैं, ये उसूल हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने चाहिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जिस तरह से और जिंदगी गुजारी है, और आपने जानते हो आपने किस आलम और किस कसम पुरसी के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, सबको पता है। 63 साल जिंदगी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके अंदर 40 साल आप माइनस करें बगैर नबुवत के, 23 साल नबुवत और रिसालत की जिंदगी, जिसके अंदर 13 साल जिंदगी कुफारों मुशरिकीन के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं, और आपने इस्लाम की दावत कुफार के जम्मे गफीर में दी है, हमारे सामने वो नमूना है। आज आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अपने अपने मुल्कों की बात कर रहे हैं, किसी के और जो है दिल आजार कलिमात की बात कर रहे हैं, किसी की बेरुखी की बात कर रहे हैं, आप रोना रोने की, मुसलमान पसमादगी का शिकार है, मुसलमान जहालत का शिकार है, मुसलमान गुर्बत का शिकार है, मुसलमान फकर फाके का शिकार है, हमें फलां पार्टी में जाना चाहिए तो हम इज्जत पा जाएंगे, हमें फला जाना चाहिए तो हम ये पा जाएंगे। सुनो, कहीं से इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत अगर मिल सकती है तो सिवाय इस्लाम को सही ढंग से तस्लीम करने के और किसी जगह इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ रसूलुल्लाह और मोमिनों के लिए इज्जत है, वही तुम्हें इज्जत मिलेगी। अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत अदा फरमाता है और जिसको चाहता है जलील और रुसवा फरमाता है। आज हम अपने ईमान और अकीदे से लेकर अपने